अभिमन्यु युग की आंखों में देख ही रहा था कि तभी उसे युग की आंखों में कुछ दिखाई देने लग जाता है और वो हैरानी के साथ कहता है, ये क्या है? युग हैरानी के साथ अभिमन्यु से पूछता है, क्या है अभिमन्यु, तुझे क्या दिख रहा है मेरी आंख के अंदर? अभिमन्यु युग की आंख के अंदर देखते हुए ही धीरे धीरे कहता है, तेरी आंख में मुझे कुछ हल्का पीला पीला नजर आ रहा है। युग हैरानी के साथ कहता है, पीला पीला नजर आ रहा है? क्या पीला पीला नजर आ रहा है तुझे मेरी आंख के अंदर? अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही अमोदिता झट से बोल पड़ती है, तुम्हें क्या नजर आ गया अभिमन्यु युग जी की आंख में? मुझे तो सिवाय काली आंखों के कुछ और नजर नहीं आ रहा है। अभिमन्यु अमोदिता के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ये क्या चीज है, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, पर ऐसा लग रहा है जैसे जहां पर पहले युग की आंख की पुतली थी वहां पर पीला हो रहा हो। अभिमन्यु के ये बात कहते ही अमोदिता झट से अभिमन्यु के हाथ से टॉर्च लेती है और युग की आंखों में देखने लग जाती है, और जो चीज अभिमन्यु ने युग की आंखों में देखी थी वही अमोदिता को भी दिखाई देने लग जाती है। अमोदिता युग की आंखों में देखते हुए ही हैरानी के साथ बोल पड़ती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे युग जी की आंख की पुतली अब काली से पीली हो रही है। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, पीली हो रही है? अमोदिता हामी भरती है, हाँ युग जी, पर अभी बहुत कम पीली है आंख की पुतली, इसलिए एकदम क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। बहुत गौर से देखो तो समझ में आ रहा है कि आंख की पुतली के अंदर हल्का सा पीला रंग भी है। युग घबराते हुए खुद से बड़बड़ा पड़ता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले आंखों का पूरी तरह काला होना और अब ये पुतली का धीरे धीरे पीला होना, ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? अभिमन्यु युग को हौसला देते हुए कहता है, तू घबरा मत युग, मैं हूं ना तेरे साथ, जब तक मैं तेरे साथ हूँ तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं दोस्त हूँ तेरा, और एक दोस्त कभी अपने दोस्त को कुछ नहीं होने दे सकता है। अभिमन्यु की बात सुनकर युग की जान में जान आती है और उसकी घबराहट कुछ कम हो जाती है। अभिमन्यु युग की आंख की तरफ देख ही रहा था तभी उसे याद आता है कि युग ने उसे ये भी बताया था कि तारा ने युग का हाथ पकड़कर कुछ महसूस किया था, कुछ ऐसा जिस कारण वो उसी वक्त डर से बेहोश हो गई थी। अभिमन्यु तुरंत युग से पूछता है, युग तेरा हाथ पकड़कर तारा ने क्या देखा था, तू मुझे फिर से बता सकता है? युग अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो यार तारा ने क्या महसूस किया था वो मुझे भी नहीं पता, उसने कुछ मुझे ठीक से बताया ही नहीं, बस आग पानी काला सब कुछ यही सब बड़बड़ाती रह गई, वो दर्द से कराहने लग गई थी सिर्फ इतना ही याद करने में, इसलिए मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। अभिमन्यु धीरे से अपना सिर हिलाते हुए युग से कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? युग चुप बैठा रहता है, कुछ नहीं कहता है। अगले पल अभिमन्यु फिर बोल पड़ता है, युग तू ना यहीं पर बैठ, आराम कर थोड़ी देर, मैं तारा से मिलकर आता हूँ, शायद जब मैं शांति के साथ उससे कुछ पूछूं तो वो मुझे कुछ बता दे कि तेरा हाथ पकड़कर उसने क्या महसूस किया था। युग को भी अभिमन्यु की बात ठीक लगने लग जाती है इसलिए वो हाँ में अपना सिर हिला देता है। अभिमन्यु युग का हाथ पकड़ते हुए बड़े प्यार से कहता है, और अब तुम मुझसे वादा कर कि अकेले कहीं भी नहीं जाएगा, जहां भी जाएगा मुझे अपने साथ ले जाएगा। युग अभिमन्यु के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहता है, मैं वादा करता हूँ यार, जहां भी जाऊंगा तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, कल रात ना सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुझे अपने साथ ले जाता तो इतना सब कुछ होता ही नहीं, कायर बार बार बोल भी रहा था तुझे बताने के लिए पर मैंने ही उसकी बात नहीं मानी। अभिमन्यु बड़े प्यार से कहता है, अब जो हुआ ना युग उसे भूल जा, पर अब आगे से याद रखना मेरे बिना कहीं मत जाना, तुझे जरा भी अंदाजा नहीं है खतरा कितना बढ़ गया है, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। वैसे कायर से याद आया, ये कायर और कछुआ है कहाँ, कहीं दिखाई नहीं दे रहे? युग अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, कायर तो बिंदु से मिलने के लिए चला गया है, और रही बात कछुए की तो वो तारा के कमरे में ही होगा वर्चस्विनी जी के साथ। अभिमन्यु पलट कर कहता है, अच्छा वो वहीं पर है तारा के कमरे में, तो फिर मैं भी वहीं पर जाता हूँ, उससे भी मिल लूंगा। युग कहता है, मैं भी चलता हूँ, मैं यहाँ पर बैठे बैठे क्या करूंगा। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही अमोदिता बोल पड़ती है, युग जी आप ना यहीं पर बैठे रहिए, मुझे ना अभी आपकी आंखें और अच्छे से देखनी है, क्या पता मुझे कुछ और भी दिख जाए। युग पलट कर कहता है, अब तुम्हें और क्या दिखेगा अमोदिता, जब से तो कुछ दिखा नहीं, वो तो अभिमन्यु ने गौर से देखा तब उसे दिखा। अमोदिता कहती है, युग जी बस थोड़ी देर और देखने दीजिए। अमोदिता धीरे से खुद से बड़बड़ाती है, इसी बहाने आपके साथ कुछ वक्त बिताने का मौका और मिल जाएगा,
वरना वो यामिनी तो आपका पीछा ही नहीं छोड़ती है। अभिमन्यु जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि युग के दिमाग में फिर ये सवाल आए कि वो रात में कहाँ गया था और अभी तक कहाँ था। इसलिए वो तुरंत बोल पड़ता है, युग अमोदिता सही कह रही है, तू बैठ यहीं, मैं आता हूँ तारा से मिलकर, जो भी होता है बताता हूँ ना मैं तुझे। अभिमन्यु अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, हो सकता है तू तारा के उस वक्त सामने था और उसने तेरे बारे में सपना देखा था, इसलिए वो ज्यादा डर गई हो और उस वक्त कुछ बता नहीं पाई हो, पर अब बता दे। युग को भी अभिमन्यु की बात ठीक लगती है, इसलिए वो हाँ में अपना सिर हिला देता है। अभिमन्यु भी मौके की नजाकत को समझते हुए तुरंत वहां से निकलने लग जाता है। वो नहीं चाहता था युग उसे किसी और कारण से एक पल के लिए भी अपरोके। अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ सीढ़ियां चढ़ने लग जाता है, क्योंकि उसे तारा की और ज्यादा फिक्र होने लग गई थी। जब से उसने सुना था कि तारा डरी और घबराई हुई है युग का हाथ पकड़कर, अभी अभिमन्यु सीढ़ियां चढ़कर कॉरिडोर तक ही पहुंचा था कि तभी वहां पर उससे यामिनी टकरा जाती है। यामिनी भी हॉल की तरफ ही आ रही थी, जो अभी कुछ पल पहले ही डायना के कमरे से निकली थी। यामिनी से टकराते ही अभिमन्यु मन में बड़बड़ाता है, इस यामिनी को भी अभी ही मुझसे टकराना था क्या? अभिमन्यु यामिनी से कुछ पूछता उससे पहले ही यामिनी उससे पूछ पड़ती है, तो तुम आ गए अभिमन्यु, मुझे तो ऐसा लगा कि तुम आ जाने ही नहीं वाले, बाहर ही रहने वाले हो। अभिमन्यु यामिनी को घूरते हुए कहता है, तुम्हें ऐसे क्यों लगा यामिनी कि मैं आज बाहर ही रहने वाला हूँ? यामिनी भी अभिमन्यु को घूरते हुए ही कहती है, वो इसलिए अभिमन्यु क्योंकि कल रात में भी तो तुम बाहर ही थे ना, तो मुझे लगा कि आज रात में भी तुम बाहर ही रहोगे। अभिमन्यु यामिनी से अपनी नजरें चुराने लग जाता है, पलट कर कुछ नहीं कहता है। यामिनी फिर अभिमन्यु से पूछ पड़ती है, वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि कल रात तुम इतनी जल्दी में कहाँ गए थे बिना किसी को कुछ बताए? अभिमन्यु और ज्यादा चिढ़ जाता है और यामिनी पर चिढ़ते हुए ही कहता है, बिल्कुल नहीं यामिनी, तुम कुछ नहीं जान सकती हो। यामिनी हैरानी के साथ कहती है, पर क्यों अभिमन्यु? अभिमन्यु चिढ़े हुए लहजे में ही कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता हूँ यामिनी, समझी तुम? मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें उससे क्या करना यामिनी? अभिमन्यु का लहजा सुनकर यामिनी समझ गई थी कि उसका दिमाग इस वक्त बहुत गर्म था और अभी उससे बहस करना बेकार था, और यदि उसने अभिमन्यु से बहस करी तो वो कभी उस बात के लिए राजी नहीं होगा जो वो उससे करवाना चाहती थी। यामिनी को अभिमन्यु से कैसे भी करके अपना काम निकलवाना था, इसलिए वो बात को बदलते हुए बड़े ही नर्म लहजे के साथ कहती है, ठीक है अभिमन्यु, अगर तुम्हें मुझे कुछ नहीं बताना तो मत बताओ, मैं तो तुम्हें ये बता रही थी कि। यामिनी अपनी बात पूरी करती है उससे पहले ही डायना वहां पर आ जाती है और हड़बड़ाहट के साथ अभिमन्यु से बोल पड़ती है, तुम कब आए अभी? डायना को देखकर यामिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, इस डायना की बच्ची को भी अभी आना था क्या? यामिनी जानती थी अगर अभिमन्यु डायना से बात करने बैठा तो डायना सवालों की लड़ी लगा देगी और फिर वो अभिमन्यु से बात ही नहीं कर पाएगी, वो बात जो वो कल रात से उससे करना चाहती थी। यामिनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, वो किसी भी हाल में जल्द से जल्द अभिमन्यु से बात करना चाहती थी, इसलिए अभिमन्यु डायना से कुछ कहता उससे पहले ही यामिनी अभिमन्यु से हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, वो अभिमन्यु मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। अभिमन्यु अपनी दोनों भवें एक साथ ऊपर करते हुए हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? अकेले में कुछ बात करनी है? क्या बात करनी है तुम्हें अकेले में मुझसे यामिनी? डायना मन ही मन सोचने लग जाती है, इसका मतलब मेरा अंदाजा एकदम सही निकला, इस यामिनी को अभी से कुछ और ही काम है, ऐसा काम जो ये मुझे नहीं बताना चाहती है। यामिनी अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहती है, मैंने कहा ना अभिमन्यु मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, वो बात मैं सबके सामने नहीं कर सकती हूँ। इतना कहकर यामिनी डायना की तरफ देखने लग जाती है। अभिमन्यु समझ जाता है कि यामिनी के कहने का क्या मतलब था, वो किसके सामने बात नहीं करना चाहती थी। यामिनी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, चलो अभिमन्यु जल्दी। अभिमन्यु के दिल में भी ये बात जानने की इच्छा बढ़ गई थी कि यामिनी आखिर ऐसी क्या बात करना चाहती थी उससे जो वो डायना के सामने नहीं कर सकती थी, इसलिए वो भी बिना ज्यादा सोचे यामिनी के पीछे जाने लग जाता है। डायना वहीं पर खड़ी रहती है, वो जानती थी कि उन दोनों को रोकना बेकार था, यामिनी उसे कुछ नहीं बताने वाली थी। डायना अभिमन्यु और यामिनी को वहां से जाते हुए देख मन ही मन सोचती है, ये यामिनी ना आजकल कुछ ज्यादा ही होशियार बन रही है, वक्त आने पर मैं इसकी सारी होशियारी उतार दूंगी। बड़ी आई मेरे अभी को अकेले में ले जाने वाली, पता नहीं इसे मेरे अभी से ऐसी क्या बात करनी है जिसके लिए इसे मेरे अभी को अकेले ले जाना पड़ रहा है।
यामिनी अभिमन्यु को एक कमरे के अंदर लेकर आती है और अंदर से दरवाजा लॉक कर देती है। यामिनी और अभिमन्यु दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। दोनों ही एक दूसरे को एकटक देखे जा रहे थे। अभिमन्यु तुरंत यामिनी से पूछ पड़ता है, बोलो यामिनी, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? यामिनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, वो तुम्हें पता है अभिमन्यु, कल जब तुम नहीं थे तो युग बाबू के साथ क्या हुआ, हमें ना। यामिनी अपनी बात पूरी करती है, उससे पहले ही अभिमन्यु तुरंत बोल पड़ता है, हाँ यामिनी, मुझे नीचे युग मिल गया था और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि कल रात क्या क्या हुआ था। यामिनी बड़बड़ाती है, अच्छा युग बाबू ने तुमको सब कुछ बता दिया है, ये तो अच्छी बात है कि युग बाबू ने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया। अब तो तुम्हें पता चल ही गया है कि युग बाबू की क्या हालत है, उस काली बारिश का उनकी आंखों पर क्या असर पड़ा है। अभिमन्यु युग की हालत पर अफसोस जताते हुए नम लहजे के साथ कहता है, हाँ यामिनी, मैंने देखी है युग की काली आंख, काफी डरावनी लग रही है। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, हमें जल्द से जल्द अब कुछ करना होगा अभिमन्यु। अभिमन्यु यामिनी को एकटक देखते हुए कहता है, हम क्या कर सकते हैं यामिनी, सच कहूं तो मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यामिनी तुरंत बोल पड़ती है, हमें उस काली साय का पता लगाना होगा अभिमन्यु। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, पर हम उस काली साय का कैसे पता लगा सकते हैं यामिनी, युग ने जो कहानी लिखी थी उसमें भी हमें उस काले साय के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, और फिर अब एक चित्रा आंटी बची है जिन्हें उस काले साय के बारे में पता है, पर तुमने देखा ना, वो युग के सामने तो आई पर उन्होंने युग से एक शब्द तक नहीं कहा, और यहाँ तक कि वंदना भाभी के पूछने पर भी उन्हें कुछ नहीं बताया, बस कहा कि अमावस्या तक इंतजार करो, उसके बाद सब पता चल जाएगा। अभिमन्यु एक लंबी आह भरते हुए कहता है, मुझे तो लगता है हमें अमावस्या तक इंतजार करना चाहिए। यामिनी घबराते हुए कहती है, पर अभिमन्यु, अगर अमावस्या आने से पहले उस काले साय ने कुछ और कर दिया तो? तुम देख नहीं रहे हो वो किस तरह ताकतवर हो रहा है, युग बाबू की आंख का क्या हाल हो रहा है, उनको छोड़ो, अगर उससे पहले उसने तारा को कुछ कर दिया तो? अभिमन्यु परेशान होते हुए कहता है, तो हम क्या करें यामिनी, तुम ही बताओ। यामिनी अभिमन्यु को देखते हुए कहती है, उस काले साय के बारे में पता लगाने का सिर्फ चित्रा आंटी जरिया नहीं थे अभिमन्यु, एक और जरिया है जिसकी मदद से हम उस काले साय के बारे में पता लगा सकते हैं। अभिमन्यु तुरंत हड़बड़ाहट के साथ यामिनी से पूछ पड़ता है, एक और जरिया है? क्या जरिया है यामिनी? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।